है तो परीक्षा का पेपर लीक करने में नंबर वन है योगी राज में। कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक करने में अब तक के सारे रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में टूट चुके हैं। अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया, उसके बाद अप्रैल 2018 में 2 महीने बाद ही पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया, जुलाई 2018 में फिर से एक रिकॉर्ड बना, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक कर दिया। रोजगार की आस जो रहा, युवा पढ़ाई करके मेहनत करता है, वो सोचता है कि पेपर देगा, पेपर पास करेगा और उसके बाद में उसकी जॉब लगेगी, लेकिन अंत में जब वो पेपर देने जाता है तो केवल और केवल उसके हाथ में लगता है कि पेपर लीक हो गया। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग का प्रोन्नति का पेपर लीक हो गया, सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक हो गया, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया, आगे चल के जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती वाला होनी थी उनका पेपर लीक हो गया, अगस्त 2021 में बीएड की प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया, अगस्त 2021 में पीईटी का पेपर लीक हो गया, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक के प्रधानाचार्यों का और शिक्षकों का पेपर लीक हो गया, अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी का एग्जाम होना था उसका पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, एनडीए का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, एसएससी का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, और अब हमने देखा नवंबर में यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, और बच्चे जब पेपर दे रहे थे उस वक्त उनको कहा गया कि अब आप पेपर मत दो, आपका पेपर तो लीक हो गया है। तो पेपर लीक सरकार बन गई है योगी सरकार, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, 70 लाख का वादा, 70 लाख जॉब देने का वादा करने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में।